हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मामा। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं मामा? आज हम क्या बनाने जा रहे हैं मामा? हॉट स्पाइसी स्क्वायर्स। स्क्वायर्स इसकी कैसे बनते हैं मामा? इजी है ये। इसके लिए मैंने लिया है आलू, 3 बड़े आलू और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हम 3 या 4 बार हम इसे धोना है। धोने के बाद हमें इसे कोल्ड वाटर में डालकर रख देना है 5 से 10 मिनट। फिर एक कपड़े में इस तरीके से छन्नी में लेकर हमें इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लेना है। इसके बाद हम इसे एक बोल में डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे आटा, थोड़ा आटा डालेंगे इसमें। मैम थोड़ा मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच ये भी ब्रीफ कर दो। हाँ, 3 आलू हैं तो 4 टेबल स्पून। ओके, 4 टेबल स्पून गाइस आटा डालना है। 4 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमें डालना है मैदा। ओके, मैदे का यूज़ हम कम ही करना चाहिए हमें, क्योंकि मैदा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि इसमें आप सिर्फ मैदे में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन हो सके तो मैदे का यूज़ कम करिए। हमारे पास क्विक रेसिपी है ना, मतलब जिनके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हाँ, नहीं वो बना सकते हैं इसको इजीली। अच्छा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें 1 एग डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा कर्ड डालेंगे। कर्ड भी मेरे ख्याल से 2 टी स्पून थी और लहसुन 4 से 5 कली। ओके, लहसुन डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे ग्रेट करके चीज़ रखा है मैंने, 2 क्यूब रखा हुआ है ये ग्रेटेड चीज़, तो हमें ये डाल लेना है। और फिर ग्रीन कोरिएंडर डालना है, ये आप अपने पसंद के अनुसार इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बिगड़ जाएगा। और ऑनियन, 1 ऑनियन लिया है मैंने, इसको फाइन चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है। और इसमें हमें डालना है नमक 1 टीस्पून या उससे कुछ ज़्यादा, एज पर योर टेस्ट। कई लोग कम भी खाते हैं, हाँ, हम ज़्यादा खाते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर, इसका नाम ही हॉट स्पाइसी स्क्वायर है, तो थोड़ा चिली अपन को ज़्यादा रखना है इसमें। और फिर इसे नाउ गिव इट अ प्रॉपर मिक्स विद योर हैंड्स कर लेना है। लाइक दिस गाइस, ये देखिए अभी हमारा डो इस तरीके से रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इसी तरीके से होनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, बट जैसे आप आटा गूंथते हैं उसी के हिसाब से इसे करिए, ताकि वो ज़्यादा पतला भी ना हो, बेटर थोड़ा सा थिक एंड थिन होना चाहिए। अब हमें इस तरह से गोला बनाकर और थोड़ा हाथ में पानी लगा ले और फिर इसे आप स्क्वायर शेप में डालकर और थोड़ा सा इसे बहुत सिम करना है फ्लेम को हमें, क्योंकि आलू है नहीं तो आलू कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से मैं और बनाकर एक बनाकर आपको और दिखा देती हूँ। हाथ थोड़ा गीला होना चाहिए, फिर हाथों में पानी लेकर हमें इसे थोड़ा शेप दे देना है। इसे बनने में हम कम से कम 5-1 मिनट लगेंगे। अब इसमें हम थोड़ा ऊपर से तेल डालेंगे और फिर इसे हम पलटेंगे। ये देखिए आराम से पलट जा रहा है, क्रिस्पी करना है अभी हमें इसे और, तो वाव क्विक स्नैक। 10 मिनट लगेंगे हमें, क्योंकि नहीं तो हमारे आलू कच्चे रह जाएंगे।
थोड़ा चीज़ के कारण थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, इसे थोड़ा सा हाथ से भी हम इसको शेप कर सकते हैं। अभी हम इसे 5 से 8 मिनट करीबन और हम इसे फ्राई होने देंगे। गाइज देखिए अभी रेडी है हमारे हॉट स्पाइसी स्क्वायर। अब हम इसे अच्छे से उतार के गार्निश करेंगे। क्रिस्पी हो गए, काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं ये। अगर आप इसमें एग डालेंगे तो बहुत और ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट आता है इसका। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये। सो हियर वी गो गाइस, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का ये फ्राई हो गया है। इसके साथ हमने जो मेयोनीज सर्व किया है और शेजवान सॉस, इस तरीके से आप इसे गार्निश करें और खाएं और बनाएं, और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।